सत श्री अकाल। अज मैं गुरबाणी के दो शब्दों के उत्तर शुरू कर दूं। कहा गया है कि बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस तो देवता की ते करत न लगी वार। बड़े गहरे अर्थ है। मनुख नू एक देवता बना देना, वो अकाल पुरख दी शिक्षा कहो वरदान कहो। अज आप मनुखता के जीवन में हाँ। मैं इस तो पहली कड़ी विच मैं कहा कि विचारों असी बदली कर सकते, साढ़े विच मोल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए है। मोल्डिंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि जिस तरह असी रियल गोल्ड नू मोल्ड कर देने तो असी अपने विचारों नू भी मोल्ड करनी। जिस तरह तुसी देखते हो कि गड्डी दे विच स्टेयरिंग हुंदा और स्टेयरिंग जिहड़ा है वह गड्डी नू मोड़ सकता है, किसी डायरेक्शन ते भी ले जा सकता है। तो असी भी अपने मन दे विचारों नू, पहला विचारों दे उत्ते मैं काफ़ी लैक्चर दे चुकिया हाँ कि विचार जिहड़े हन कॉन्शियस चेतन मन, मन विचार उठाता है चेतन मन, और चेतन मन ही सब तो पहला प्रभावित हुंदा है और दुनिया के विचारों तो भी प्रभावित हुंदा है। आपां दुनिया की नैगेटिविटी तो प्रभावित ना होइए, आपां अपने विचारों नूं पॉजिटिव रखिए। साडे विच दो शक्तियां बहुत जरूरी है, एक तो परखण की शक्ति है और दूसरा डिसीजन लैण की शक्ति है, निर्णय करन की शक्ति। कि डिसीजन लेना, कि जो आप डिसीजन लेने हैं सामने वाला व्यक्ति जिहड़ा साढ़े निमित्त बनया, जिहड़ा सानू स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, जां जिहड़ी घटना सानू तनाव क्रिएट कर रही है, और साढ़े जीवन में कई घटना होंदियां हन, वह घटना साढ़े जीवन के सानू हिला के रख दिंदियां। पर उस टाइम के उत्ते उस टाइम दे उत्ते पेशेंस की लोड़ है। जे असी पेशेंस रखते हाँ तो असी उसका सल्यूशन लभ लेंदे हाँ, समाधान लभ लेंदे हाँ। जदों असी समाधान लभ लेंदे हाँ तो समाधान स्वरूप बन जाने हाँ, और समस्या कुछ देर की होंदी है उतर जाती है। पॉजिटिव विचारां नूं परिवर्तन करना है, नैगेटिव विचारां नूं परिवर्तन करन दी शक्ति होनी चाहिए। जदों साडे विच पॉजिटिव विचार आ जांदे हन, अपने मन नूं मोल्ड करो। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। इस वास्ते ना तो साड़ी मन दे उत्ते इफेक्ट होएगा, अगर होएगा भी तो वो पॉजिटिव होएगा, और पॉजिटिव जो होएगा जिहड़े पॉजिटिव हारमोन निकलते हैं, पॉजिटिव हारमोन कहड़े हैं, एंडोरफिन्स, जिस तरह का मारफीन का इंजेक्शन ला के आराम मिलता है, वो विचार नैचुरली पैदा हो जाते हैं, मस्तिष्क तो पैदा होते। दूजा है सीरेटोनॉन, ये एक हारमोन है जो साढ़े जीवन नू संतुलन विच रखता है। अस घबरा जाते हैं जो साढ़े सामने कोई घटना आती है ना, उस टाइम साढ़े होश नहीं रहते, उस घटना नूं हैंडल करन दे होश नहीं रहिंदे। मानुष किस तरह का प्राणी है, दुनिया के सर्व प्राणियों तो उत्तम है, उहदे सामने परीक्षा आनी बहुत जरूरी है। परीक्षा आउंदी ही है, घटना नहीं आउंदी, साडी परीक्षा आउंदी है। ये परीक्षा किसी के कारण नहीं आई, साडे ही कीते हुए किसी टाइम के उत्ते कर्मां का फल आ रहा, पर असी इहनू प्यार नाल हैंडल कर लईए और परीक्षा नूं चैलेंज देईए, आओ मैं तैयार हूँ।
क्योंकि मेरा सतगुरु सामने वाली परीक्षा दे नालों बहुत वड्डा है। जो साडा मन उहदे नाल लग जांदा है तो परीक्षा तो बहुत ही छोटी हो जाती है। इस वास्ते तनाव नू घट करन वास्ते अपने एटीट्यूड नू, क्योंकि मैं पहला कहा कि पहला विचार क्रिएट करो और विचारां दे विचों विचार दी तरंगा निकलदियां हन, और विचारां दी जिहड़ी तरंग है उहनू असीं अंग्रेजी इमोशन कहने हाँ, और वो इमोशन बार बार चलता है। अगर असीं अपने डिग्रेडेड घटिया विचार निरंतर ही चलते रहते हैं, क्यों होया, किस तरह होया, मैं देखांगा, मैं समझ लवांगा, मैं बदला लवांगा, ये साढ़े घटिया विचार है। ये हौली हौली की करते हैं, साढ़े कैमिकल नैगेटिव लै आते हैं, तो असी पॉजिटिव कैमिकल लेके आईए तो सानू कोई ना कोई समाधान मिलता ही रहेगा। ठीक है, कोई नहीं, आज नहीं, उस टाइम ब्रेक लाओ। जो वो कहने ना थोड़ी देर वास्ते ब्रेक लाया, अगर 5 सैकेंड भी ब्रेक लाया तो वड्डी घटना तो बच गए। तो असी पर उस टाइम के उत्ते ब्रेक नहीं लाते। इस वास्ते एको ही हल है, जे असी सोचिए भी इसकी कोई मेडिसिन है ना, तो किसी पैथी दे विच इसका लैक्चर है, एको ही लैक्चर है वो जिहड़ा मैं दस चुकिया। अपना आचरण, विचार, आहार और व्यवहार, इन्हां दे विच पॉजिटिविटी ले आओ। संबंधां नूं दृढ़ करो, संबंधां दे विच दृढ़ता लैके आओ। आपां संबंधां नूं समझदे नहीं हां, किस तरीके नाल अपना परिवार चलता है। मन लो साढ़े परिवार दे विच 4 मेहमान आ गए, मेरे दोस्त हैं, मैं अपनी सुपत्नी नूं कहा चाय बनाओ, वो बड़ी अच्छी तरह चाय बना के ले आई, ट्रे दे विच राय रखी, चाह रखी हुई सी ते अचानक चाह थोड़ी जी छलक के नीचे गिर गई। इहदे विच 4 ऑप्शन हैं, तुसीं 4 तरीके नाल सोचदे हो। 4 बंदां की सोच 4 किस्म की होंगी। मैं गुस्सा भी कर सकता हूँ, दूसरा भाई ये भी कह सकता है, मेहमान कोई गल नहीं है, जिहड़ी बची हुई चाह आप उन्हां दा आनंद लैने। तीसरा कहिंदा है कि कोई गल नहीं, अगे नूं भैण जी ख्याल रखना। तो चौथा की करता है, कपड़ा उठा करके ये नीचे हुई गिरी हुई चाह नूं साफ कर दिंदा है। ये कोई घटिया काम नहीं है, चारां दे विचार 4 किस्म दे हन। तो इस तरीके नाल जे आप सोचिए भी अपने परिवार दे 4 मैंबर हैं, परिवार वड्डा है, परिवार नूं समझना बहुत जरूरी है। सब तो पहला तो आप जिहड़ा ये सोचते हाँ कि असी तनाव नूं कम करना ही है, असी अपनी एनर्जी नूं वधाउणा ही है, तो आलवेज बी पॉजिटिव। एको ही फार्मूला है कि अपने जीवन नूं पॉजिटिव बनाओ। जदों साडे विचारधारा आउंदियां हन, वह विचारधारा अगर पॉजिटिव चलदियां ही रहिंदियां हन, तो साडा जिहड़ा एटीट्यूड है, एटीट्यूड नूं आपां विरती कह दिंदे आ, आपां आदत कह दिंदे आ। कई वारी आपां तों गलती हो जाती है, आपां इह कहिंदे आ माफ करना मेरी कुछ नेचर ही इस तरह की है, मेरी आदत ही इस तरह की है, मेरी गल का गुस्सा नहीं करना। अपनी नेचर नूं अच्छा बनाइए, अपनी नेचर पॉजिटिव बन जाए, तो किसी घटना का असर साढ़े उपर नहीं होगा। ये भी आप जानते हैं आप किस युग में गुजर रहे हैं, आप करयुग दियां इस तरह दियां घड़ियां विच गुजर रहे हैं। इहदे विच मैं कई बार देखिया, मैं एक स्कूल च लैक्चर करन गया, उहदे च लिखिया सीगा न्यू ईरा कॉलेज, आपां नई दिशा क्रिएट करिए, पॉजिटिव
दिशा क्रिएट करेगी। कई परिवार इस तरह के होंगे उन्हों का संगठन इन्ना अच्छा होंगे है, उन्हों का प्यार इन्ना वध होंगे है कि लोग देख के हैरान होंगे। मेरे अपने जीवन में भी ये गल्लां आईयां पर वह गल्लां ने मेरे ते कोई असर नहीं किया। ज्वाइंट फैमिली विच मैं खुद रहा और बहुत अच्छी तरह गुजारे दिन, जो गुजारे अच्छी तरह गुजारे, क्योंकि असी अपनी आयु नू वधाउणा है घटाउणा नहीं है। तो इस वास्ते यह चीज़ है कि जिंदगी नू नशे विच नहीं रुलना, बच्चों की बैठ के गल सुनना, किसी भी घटना नू मैं कई मिसाल भी तुम्हें दे सकता हाँ जड़िया मैं प्रैक्टिकल जीवन दे विच देखिया। मेरे एक दोस्त हैं जो साइकोथेरेपिस्ट हैं बॉम्बे दे विच, उन्होंने अपनी दसिया कि मेरे को जे केस आए कि जेडे बिल्कुल डीमोरलाइज हो गए थे, पर वह मैं कुछ दिन उन्होंने सिटिंग की काउंसलिंग की, उन्होंने विचारधारा बदली की, उन्होंने पूछया भी की प्रॉब्लम है, है वो देखा कि उन्होंने परिवर्तन आया। मेरे अपने एक दोस्त दे विच परिवर्तन आया, उन्हें लखा रुपए का नुकसान हो गया, उन्हें किसी को पैसा दिता वो इनकार कर गया, पर मेरा दोस्त बड़ा समझदार सी, उसके अंदर बड़ी समझ सी, उन्हें उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कोई गल नहीं, जो तेरी इच्छा हो तो कर लेना, कोई नहीं, पॉजिटिव सोचा। तो वह कहता कि मेरे पॉजिटिव रहने का मैं ये फायदा होया कि मैंने 40 लाख रुपया वापस कर दिता, 70 लाख रुपये की बजाय 40 लाख का मैं वापस किया। जे मेरा प्यार ही ना रहा, मैं उस दे नाल मन बटाओ रखता, तो मेरा ये विचार उस वास्ते अच्छा नहीं होना सी। इस वास्ते ये चीज़ है कि ऑलवेज जदों असी पॉजिटिव रहने तो उहदे विच्चों पॉजिटिव कोई ना कोई भी घटना दे विच कोई भी चीज़ छोटी तो छोटी भी तुहाडी डायरैक्ट जां इनडायरैक्ट एडवांटेज जरूर हुंदी है, उस घटना दे विच साडा फायदा जरूर समाया होया। और तुसीं कहोगे किस तरह, वो सानू उस टाइम दे उत्ते तां घटना लगती है भी मेरे फेवर विच नहीं है, पर जदों तुसीं कुछ टाइम देखोगे तो उही घटना तुहाडे फेवर विच जाएगी। वो देखा गया है कि मिस्टर शेख 1940 के जाना सी, वो बॉम्बे गए और जदों वो चल रहे सी प्लेटफॉर्म के उत्ते और समुद्री जहाज के उन्होंने चढ़ना सी, तो उसनु अचानक स्लिप होके उसकी लत टुट गई और उहदा उहनु की फायदा होया, नुकसान तो वड्डा होया, लत टुट गई, जहाज चढ़ना सी पर की फायदा होया है। तो यह कड़ी नूं इत्थे खत्म कर दिया, तो अगे तो फायदा सोचेंगे है। इस दे नाल मैं विराम दे के सत श्री अकाल।